जी भाई एक बार अगर नदी पार करनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो इलेक्शन इसलिए है कि एक बार सुधार करने की कोशिश चाहते हैं। अगर वो कोशिश गांव का आशीर्वाद मिलता है तो फिर और अच्छे से सुधार करेंगे। और आप मंदिर ने सजाने पर लग रहे हो, लाइटिंग करवाने लग रहे हो, बस स्टैंड है उसने डेकोरेट करने लग रहे हो, इतना खर्चा की जरूरत की। पंचायत भवन में गए तो वहाँ पे जो पूर्व सैनिक संघ जो एक यूनिटी है वो भी आपकी तरफदारी पूरी कर रही है, खर्चा नहीं पानी ज़्यादा लगा दिया। अब सीधी सी बात यह है कि खर्चा कितना आ गया होगा शुरू से अब तक का आपका इस सारे प्रोसेस। खम्बे पे सीढ़ी पकड़ रहे थे, वो भाई ऊपर चढ़ रहा था तो दो चार आदमी जब नीचे घूमे थे मैं उनसे पूछूं था आपकी प्रेस बहुत करने लग रहे थे, हालांकि इब्बे तो इलेक्शन बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ पे कौन किसको वोट देगा, पता नहीं आप घर पे इलेक्शन जब चला है ना तो गेट के आगे आओ जी एक बोतल दियो एक बोतल दियो, कितनी बोतल बटेंगी नरेंद्र भाई साहब, कितनी बोतल बांट पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये तो आगे तिकड़मबाजी कैसे करो। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम बिरड़ गाँव में हूँ, अब समझ ही गए होगे सारा शाम से लेकर रात होगी नरेंद्र यादव जी के साथ बैठे हैं भाई साहब हमारे, भाई साहब राम राम। राम राम जी। ये तो मेरा दाना पानी था आज ऐसी गाड़ कोई बात नहीं है सर, आपका जी घर है, कभी भी आइए। हाँ जी भाई साहब, हम 6 महीने पहले अंदाजा सा मिले थे है ना, सही मेरे बात। ख्याल था मई जून में, शायद मई जून में मिले थे भाई, और क्योंकि इलेक्शन की लहर थी, इलेक्शन होंगे वो हो नहीं पाए, और आपके साथ विशेष लगाव मेरा इसलिए हो गया जो जो आदमी इलेक्शन में जुड़े हुए थे और जब डेट कैंसिल होगी तो सारे ठंडे पड़ गए, लेकिन अभी आपके गांव में से गुजरू था तो इब भी आप खंबे दो रहे खड़े थे। वो जो लाइट की प्रॉब्लम थी, जी वो जो सोसाइटी के थे हरिजन जोरवाल के जो हेड थे, उन्होंने बताया जी लाइटिंग ख़राब है। तो मैं आया था ड्यूटी से, आके एक दोस्त था जो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी अच्छे से जानते हैं, उसको बुलाया, सीढ़ी उठाई और आपके सामने ही लाइट जल गई थी। तो वो एक सोशल काम है, करना ही है। की जरूरत है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन आने दो फिर कर लो। नहीं ऐसी, खैर मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि चीज़ें इलेक्शन के लिए हो रही हैं या इनके लिए हो रही हैं। जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं। एक मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में भी अपना जिक्र हुआ था, जी भाई एक बार अगर नदी पार करनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो इलेक्शन इसलिए है कि एक बार सुधार करने की कोशिश चाहते हैं। अगर वो कोशिश गाँव का आशीर्वाद मिलता है तो फिर और अच्छे से सुधार करेंगे पावर आने के बाद। खर्चा बहुत है सर, एक आदमी अगर इलेक्शन लड़ा है तो घर में चाय पानी का है उसका 2-4 महीने में 5-4 लाख का हो जावे, और आप मंदिर ने सजाने पर लग रहे हो, लाइटिंग करवाने लग रहे हो, बस स्टैंड है उसने डेकोरेट करने लग रहे हो, इतना खर्चा की जरूरत की। लोगों से डिस्कस करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों ने देसी भाषा में कह रहे बखाई रखो, बातचीत करो, फूकी फूकी बात, खर्चा क्यों करो। देखो चीज़ें क्या हैं जगदीप भाई, कई लोग क्या हैं यही काम करते हैं जो आप बता रहे हो, लोगों ने बकाए रखो जी, यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, हाँ ये हो जाएगा, एक बार भाई देखो तो सही कि दूसरे की बुराई करने लग दूसरे की। जो, खर्चा क्यों नहीं नहीं लगता कम से कम। देखो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, जितने भी सहयोगी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सब अच्छे कैंडिडेट हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट मैं कहूँगा कि लूज है, ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब अपनी जगह अच्छे से स्टैंड करते हैं, सबके काम करने की कैपेसिटी अलग है, पब्लिक है, पहचाने कौन काम कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हो कि जी आपने हरिजन चौपाड़ में करा दिया, पंचायत घर करा दी, बच्चों के लिए कर रहे हो, मंदिर के लिए कर रहे हो, कुछ नहीं होता। जो भी सहयोगी है, जो भी साथी आके बताता है सर ये काम कर ले, करो भाई, वो साथ लग के काम करते हैं। मेरा तो एक छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन रहता है, पर सबका मन है काम करने का। जब लोग अपने आप काम कर रहे हैं तो उसमें योगदान देने में क्या क्या बुराई है। आज हम जब उस पंचायत भवन में गए तो वहाँ पे जो पूर्व सैनिक संघ जो एक यूनिटी है वो भी आपकी तरफदारी पूरी कर रही थी, खर्चा नहीं पानी ज़्यादा लगा दिया आपने ना मेरे ना ऊपर। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा सैनिक संघ खर्चा पानी वो सब कुछ अपना इंडिपेंडेंट रखते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरह ग्रो करें, बेरोजगारी कैसे दूर हो। वो कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, ना इकोनॉमी ना कुछ। और वहाँ क्या था कि वो बिल्डिंग खराब थी,
बच्चों ने कोशिश की, मैंने कोशिश की कि भाई गांव में कम से कम एक ऐसी जगह तो जहां पंचायत हो उसके, जहां रुक सके। हमने पिछले इंटरव्यू में भी बात की थी, तो बच्चों ने, गांव के लोगों ने सहयोग किया, हमने उसको पेंट वेंट किया, अब वो आज अच्छी कंडीशन में क्लासें लग रही हैं। पूर्व सैनिक संघ ने बच्चों को एक असेंबल किया, अपना ऑफिस बनाया, और मैं उनका आभारी हूँ कि 15 अगस्त पर उन्होंने जो सम्मान दिया तो वो तो अमूल्य है ही। क्या बात। अब सीधी सी बात यह है कि खर्चा कितना आ गया होगा शुरू से अब तक का आपका इस सारे प्रोसेस में? ना खर्चा कोई खास नहीं है जी, लोगों का सहयोग ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि मान लो पेंट लिया है, लोग अपने आप कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो उसमें क्या खर्चा आना है? कोई खास ऐसा खर्चा नहीं है, सहयोग, श्रमदान, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो खर्चे की कोई जब बात नहीं। आप पूर्व सैनिक संघ के साथ बैठे थे, मैं दाएं बाएं घूमूं था उस टाइम तो पैदल पैदल, तो मैं वहाँ पे लोगों से पूछूं था भाई यहाँ पे एक आपका ब्रिज सा तैयार करो थे, एक पुली सी तैयार करो थे, उसमें किसका के कुछ योगदान रहा? तो उन्होंने बताया पूरे गांव ने उस खातर पीछे इकट्ठे करे हैं, आपने भी 50-60 हज़ार रुपये दिए मेरे ख्याल से। नहीं, बस जो मेरा शेयर था छोटा सा, जितना मैं कर सकता था उतना योगदान है। और वो बनाया था बांध, वो बारिश में किसी कारण से वो टूट गया, फोर लो होने के कारण, लेकिन अच्छी कोशिश थी, दोबारा कोशिश करेंगे। अब की बार पहला काम था, दोबारा अच्छे से काम करेगा पूरा गांव, तो वो एक परमानेंट चीज़ हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सबका। गांव भी आपके साथ अब तो लगा हुआ है, मैंने ऐसा लगा। वो एक सोच है, सोच ही बदलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब आप खंबे पे सीढ़ी पकड़ रहे थे, वो भाई ऊपर चढ़ रहा था, तो दो चार आदमी जब नीचे घूमा था, मैं उनसे पूछूं था, आपकी प्रेस बहुत करने लग रहे थे, हालांकि इब्बे तो इलेक्शन बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ पे कौन किसको वोट देगा, पता नहीं आप घर पे इलेक्शन जब चला है ना, तो गेट क्या गाँव जी, एक बोतल दियो, कितनी बोतल बटेंगी नरेंद्र भाई साहब, कितनी बोतल बांट पाऊंगे, नहीं कर पाऊंगे, तो ये तो आगे तिकड़मबाजी कैसे करूँ। देखो, मैं आपको पहली बार, हम भी बात हुई थी, अब भी यही बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल एक सोच है, और वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि काम कर कैसे किया जाए, सोच है, उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जैसा उनका मैसेज होगा, आशीर्वाद होगा, वो आपके सामने ही होगा। बहुत सारे सरपंचों से मेरी बात हो, जो एट प्रेजेंट सरपंच है, उनसे पूछूँ भाई सरपंच ही करके कमाओ के हो, उनका एक छोटा सा जवाब हुआ है, बोला जगदीप पिछली बार जो सरपंच के इलेक्शन में जो लगाया था ना, वो अब तक पूरी नहीं पट्टी है, वही नहीं रही, आगे तो हम इलेक्शन लड़ देनी। आप इन बातों से कोई आइडिया नहीं लगाते भाई लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, जो इलेक्शन में खर्चा लगाना, ये लगाना, ये सिर्फ ये चौधर की जंग है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, चौधर की कोई जंग नहीं, ना ऐसी कोई बात है, और भी कैंडिडेट हैं, और जितने कैंडिडेट हैं उनमें मैं एज में सबसे छोटा कैंडिडेट, तो जितने भी मेरे से जो कैंडिडेट मिलते हैं अच्छे से दुआ सलाम होती है, और ऐसी कोई बात नहीं है चौधर की बात है, सारे बड़े हैं, मैं तो सबके पैर छू के राम राम करके। लॉस का बिजनेस है? नहीं बिजनेस तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो एक काम करने की सोच रहा हूँ, एक सोच बदलने की सोच रहा हूँ, 5 साल मैं एफर्ट करूँगा, उसके बाद पॉलिटिक्स। 1,500 वोट हैं, क्या की सोच बदल लोगे आप? नहीं, वोट की सोच थोड़ी बदलनी है, हम एक काम करने की सोच। अब आप देखो, सोच नहीं, तो बड़ा सारा संगठन हो भाई, 20,000 लोग हैं, इनकी सोच बदलनी है, 1,800-1,500 छोटी इकाई से शुरू करें। अब आप देखो, 6 महीने पहले में और अब मैं आपको चेंज दिखा के नहीं दिखा, 2 सोसाइटी बनेगी, हरिजन चौपाटी की बनी, जो खंडर हालत में थी, बिल्कुल सोसाइटी बनी, लोग जुड़ गए, काम कर रहे हैं, 1.5 लाख की गवर्नमेंट से डीसी से ग्रांट करा के 4 दीवारी को बढ़ा लिया, पूर्व सैनिक संघ एक बिल्डिंग आपने पंचायत घर को सुधारा, उसको तैयार करके वो आज देख लो, वहाँ क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं 40-40, जो गाँव के टीचर हैं वो अपने टाइम टू टाइम क्लासेस दे रहे हैं। अब बताओ बदली कि नहीं बदली सोच? 6 महीने में अगर इतना चेंज हो गया तो आगे 5 साल में कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो बदलाव है 38-40 बड़का का, तो यह बदलाव क्या मैं क्रेडिट आपको दे दूँ? ना ना, क्रेडिट पूरे गांव का है, जो साथ हैं, वो क्या है कि एक कोशिश करने की कोशिश की थी, उसके बाद संगठन बनते गए, लोग जुड़ते गए, बदलाव के साथ लोग जुड़ते गए। वही मैं कह रहा हूँ, एक सोच आप पैदा कर दो, उसके साथ काम अपने आप चलता जाएगा। मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक कोशिश की थी एक बिल्डिंग तैयार करने की, उस बिल्डिंग में क्लासेज शुरू हो गई, ये बिल्डिंग तैयार की, यहाँ सोसाइटी बन गई, अब ये हो सकता है कि और चीज़ें यहाँ आइडियाज निकलते रहे, उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करते रहे। ओके, तो मैं बता देता हूँ भाई, अभी जब मैं 7-7:30 बजे इस गांव में पहुँचा तो भाई साहब लग रहे थे खंबे पे। दूसरी जो मेरे को एक
दिल दुखने वाली बात जो मैंने पता चली, आप गांव की सेवा में लग रहे हो जी, सुना है माता जी बड़ी अजीब स्थिति में बीमार है। हाँ, माता जी को पीछे जब कोविड का सेकंड वेव आया था उसमें उनको कोविड भी हुआ था, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इतनी एज में उन्होंने कोविड से जंग जीती है। उसके बाद अब कुछ दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनके सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमने गुड़गांव आरटीएमएस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था। तो वहाँ डॉक्टर अशोक राजपूत, हाँ, तो उनसे बात हुई, तो उनके लंग्स में की जो नर्वस सिस्टम है, जो रिपोर्टें थी वो बैंड वगैरह दिखाया था, अब बाईपैप मशीन की स्पॉट पे हैं, ऑक्सीजन आधा लीटर स्पॉट पे है। चलो मिल लेते जी, क्योंकि जो डिजीज़ है, आजा भाई तो आ जा, जो बीमारी है, हो सकता है कोई मेरा भाई कोई वैद्य उसको देखता हो सकता है कोई इलाज के लिए कुछ बता ही दे, लेकिन भाई साहब आज के समय मेरे को यूं लग रहा है अपने माता जी के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है जी। गाँव में किसी भी काम की अपेक्षा माँ बाप ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं लगभग अपना 90% टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताता हूँ। एक बार बात कर ले। जी जी जी, अच्छा नहीं फिर रेस्ट करें तो रेस्ट करने दो, हम बस देखा कोई बात कोई बात रहने तो सुबह सो नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, इनकी माता जी हैं, लेटे रहो भाई साहब, ना बिठाओ ना, राम राम माता जी। यार सारा दिन लगी रहो जी पाइप, ऑक्सीजन सारा दिन लगी रहे दिन रात। देखो भाई ये पे फ्रेश हुआ था, ये ओ फ्रेश यहाँ लेते हैं फिर, या फिर वो व्हीलचेयर है उनसे वॉशरूम में ले जाते हैं, उसके लिए छोटा सिलेंडर अरेंज कर रखा है, उसमें अच्छा। भी ऑक्सीजन स्पोर्ट के साथ ही जाते हैं वॉशरूम में, जैसे नहाने के टाइम में या वॉशरूम यूज करते टाइम तो भी ऑक्सीजन कंटिन्यू रहते हैं। वो बाईपैप मशीन है मेन ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ने बताया कि ये बाईपैप मशीन ही मेन मेडिसिन है, क्योंकि इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो दिक्कत है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है, पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती, तो ये बाईपाइप मशीन प्रेशर से ऑक्सीजन को फेफड़ों को खोलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर बच जाती है उसको बाहर निकालती है। अगर किसी के पास इस बाईपाइप से अच्छा ऑप्शन है, एक जैसे राजपूत जी ने बताया कि एक घर में वेंटिलेटर के टाइप काम करता है, तो लगभग उन्होंने एडवाइस की है 5 से 6 घंटे ये बाईपाइप मशीन आप यूज करो, लगभग 8-10 महीने में ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे हॉस्पिटल से आए हुए हमें 20-25 दिन हुए, तो ऑक्सीजन का लेवल 3 लीटर था, अब आधा लीटर आ गया है, तो डॉक्टर साहब से बात होती रहती है, वो कह रहा है कि आने वाले लगभग 1-1.5 महीने में ऑक्सीजन तो की स्पोर्ट तो हट जाएगी और बाईपैप मशीन की स्पोर्ट कंटिन्यूटी में रहेगी। अगर किसी के पास इससे अच्छा ऑप्शन है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इससे अच्छा ऑप्शन कोई बताया जाए। देखो भाई, क्या क्या है बीमारियाँ, किस तरीके से हैं उनके इलाज, तो नरेंद्र यादव जी से हमारी मुलाकात इतनी है, और आज यह जो माता जी का जो सीन देख के बड़ा और दुख हो रहा है, और मैं अगर डॉक्टर होता तो सारा दिमाग यहीं पर लगा देता, लेकिन अब हरियाणा में या बाहर भी जो इस टाइप से सोच सकते हैं, जो इनका इलाज की जो ज़रूरत है, तो मैं नरेंद्र यादव जी से संपर्क करें, मैं इनका नंबर डाल दूँगा, तो इनको बताएँ कहाँ इलाज पॉसिबल है, कैसे इलाज पॉसिबल है। फिलहाल आरटीएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं, अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल है इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी जो सजेस्ट कर सकता है तो बिल्कुल हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए, जो भी सजेशन मिलेगा पॉजिटिव उस पर हम काम करेंगे। तो और कोई बात ना करते हुए ये वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, सामने मंदिर है, शायद ये हमारी वीडियो का एक पॉजिटिव मैसेज मुझे ऐसा लग रहा कि जाएगा, कोइंसिडेंट सामने मंदिर है, भगवान सुनाएंगे बात, और कोई ना कोई किसी ना किसी भाई का फ़ोन आओगा इलाज के लिए, नहीं तो ये ज़िंदगी भर इसी स्थिति में रहूँगा भाई। यह वीडियो सिर्फ इतनी है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तो यह वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।